हनुमान है अभी, मुझे लगता है कि वो हनुमान के आसपास ही रहेंगे, और अब जब ये और बढ़ जाएंगे थोड़े तो 25 किलो से भी ज़्यादा फल जाएंगे। और अनार की जो मार्केट में प्राइजेज रहती हैं काफ़ी अच्छी रहती हैं, सामान्यतः काफ़ी अच्छी रहती है, तो उसके कारण एक ये तो अपन एक तो ये है कि कांटेक्ट कर लें, जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको दे दें, वहीं से ले जाएंगे। ये है कि हम कोशिश ये करेंगे पूरे जिले में, आस पास जिले में, उसके बाद किसानों का एक संगठन बना, क्वांटिटी कितनी भी कम हो लेकिन योजना है 10,000 हेक्टर में किसान लगाएं और फिर मिलके साथ काम करें, एक्सपोर्ट वगैरह करने का, पैकिंग का, इसका उसका, तो फिर वो सीधे सरकारी स्तर पे उनको मदद। हम लोग मैंने कहा है 10,000 हेक्टर में उपयोग करें अनार का, किसानों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हार्टिकल्चर की तरफ ले जाना है किसान, बिल्कुल बिना इसके बहुत प्रॉफिट नहीं होता खेती में, जैसे मैंने पहले ही बताया था। अब योजना यही है जो लाभ का धंधा बनाने की, कि हम कोशिश ये करें कि एक हिस्से में गेहूँ, चना, सोयाबीन जो परंपरागत फसल है वो बोएं, और एक हिस्से में हम हार्टिकल्चर की सब्जी, फूलों की, फलों की, सब्जियां जो कर सकता है, हालांकि सब्जियों के रेट कई बार उस पर डिपेंड करते, ज़्यादा बम्पर आ गई तो फिर रेट नहीं मिलते, अपने यहाँ भी दिक्कत हुआ कि पैकिंग की और बाकी सब चीज़ों की कोल्ड स्टोरेज की इतनी व्यवस्था नहीं, बाहर भेज दें, लेकिन सब्जी का इलाका बढ़ेगा तो वो भी किया जा सकता है, कोल्ड स्टोरेज बन जाए, पैक करके भी बाहर भेजवा सकते हैं। जैसे अनार के 10,000 अपने हिस्से भी हो जाता है, सरकारी स्तर पे किसानों 50% सब्सिडी अनुदान दे कर रहे हैं ताकि प्रेरित हो, इस पर खर्चा शुरू में ज़्यादा लगता है, और आमतौर पर किसान इसलिए बचता है कि इतना पैसा कौन लगेगा। ऐसे में केंद्र वगैरह बना सकते हैं आप, करें नंबर मतलब फार्मर्स की संख्या जैसी बढ़ेगी तो वैसे फिर मिलकर कर सकते हैं, इसलिए इस बार टारगेट रखा 10,000 हेक्टर। लेकिन भाई तो हार्टिकल्चर का जो प्रोसेस है वहाँ पर सब्सिडी वाला बड़ा टिपिकल है, उसे थोड़ा सा सरल होना चाहिए।